हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द टेक्योमेट्री सर्वेइंग चैप्टर। हमने लास्ट केस में देखा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फार्मूला यूज होती है। पर कौन सा केस हमने देखा था? व्हेन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स आपका जो भी टेलीस्कोप है उसमें कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स आपका टेलीस्कोप में जो रीडिंग है वो 0-0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी टेलीस्कोप में वर्टिकल सर्कल होता है तो उसमें रीडिंग सी और वी डी विंडो पे 0-0 होना चाहिए। दैट मीन्स लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल और टेलीस्कोप इज हॉरिजॉन्टल। ओके, दैट मीन्स कोई एंगल नहीं है। उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूला देखी थी, डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एस प्लस एफ प्लस टी, वेयर एफ प्लस आई एफ डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट एंड एफ प्लस टी इज इक्वल टू एडिटिव कॉन्स्टेंट। सेकेंड केस भी देखा था, पर आज वो हम रिवाइज अगेन करेंगे। लास्ट टाइम जो भी हमने थ्योरी यूज किया था उसमें ये अल्फा बाई टू की जगह पे क्या था, बीटा था। ओके, ये आपकी बुक की थ्योरी है। ओके, उसमें थोड़ा नोटेशंस वगैरह अलग है बट एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे उसने अल्फा बीटा हाफ एंगल को बीटा बोला था। इसमें क्या है, ये जो भी पूरा एंगल है दैट इज कॉल्ड अल्फा। ओके, और जो भी हाफ एंगल लेता है दैट इज कॉल्ड अल्फा बाय टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कौन सा है, वो है। देन स्टाफ स्टेशन इज क्यू। ओके, और यहाँ पे लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज वी टेक लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, दिस वन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, तो लाइन ऑफ साइट है उसका जो भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसके साइड उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। और यहाँ पे कितना एंगल है, दैट इज 90। तो यहाँ पे बाकी का जो भी एंगल है वो कितना बनेगा, दैट इज दिस एंगल, नॉट दिस, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस एंगल। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बिकॉज वी टेक ट्राइंगल सी ओ आर। ओके, वी टेक ट्राइंगल सी ओ आर, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री माइनस ये एंगल थीटा होगा। ओके, देन नेक्स्ट अभी क्या करना है, तो आगे हम थियरी में देखेंगे। देन नेक्स्ट ये अल्फा है तो ये कितना आएगा, दिस वन इज हाफ अल्फा बाई टू। देन दिस वन इज कॉल्ड द इंक्लाइन लेंथ ओ, दिस वन इज कॉल्ड सी ओ सी, दैट इज द इंक्लाइन डिस्टेंस। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्फा बाई टू है, ये आप फ्रॉम फिगर आप देख सकते हो कि स्टाफ हमने वर्टिकली हेड किया है, बट हम फॉर्मूला जो भी d इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एस प्लस एफ प्लस टी फॉर्मूला कभी यूज कर सकते हैं, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द स्टाफ रीडिंग, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो भी है लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाफ को मैंने वर्टिकली रखा, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट उसका प्रोजेक्शन हम खींचते हैं, ए को ए डैश पे ले जाते हैं और बी को बी डैश पे ले जाते हैं, और जो भी लाइन ऑफ साइट है दैट इज ओसी, ओसी को परपेंडिकुलर ए डैश के ए डैश बी डैश के साथ करते हैं, तभी वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अल्फा बाई टू है, तो फ्रॉम दिस फिगर ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा बाकी का, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, उसी तरह से। ओके, उसी तरह से, और ये 90 डिग्री है, ये एंगल जो भी है दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे भी कोई एंगल मिलेगा। ओके, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना है, दैट इज थीटा, दिस वन इज 90। ओके,
तो ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री किया है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना मिलेगा, दैट इज थीटा। और युग्म कोण आप जो गुजराती में कही है युग्म कोणों पर थी, और सिमिलर एंगल्स कहाँ पे, ऐसा यूज युग्म कोण दैट मीन्स सिमिलर एंगल कहाँ पे होता है, जहाँ पे ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और सिमिलर एंगल यहाँ पे होता है, दैट मीन्स ए ए डैश सी और बी सी बी डैश, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। उसी तरह से यहाँ पे अल्फा बाई टू दूसरा एंगल है, तो अल्फा बाई टू जो दूसरा एंगल है तो, और यहाँ पे कितना है 90, तो ये कितना एंगल आएगा, दैट इज 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू ये, और ओवरऑल जो भी है ये ओवरऑल ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल जो भी लाइन है परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया है ए डैश बी डैश, तो यहाँ ओवरऑल कितना 180 डिग्री होगा, तो वन ये मुझे एंगल फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई टू, तो ये कितना मिलेगा, दैट इज 90 डिग्री प्लस अल्फा बाई टू मिलेगा। ओके तो इस तरह से हम सभी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दूसरा हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल लेंगे ए ए डैश सी और बी बी डैश सी बी, दो सिमिलर ट्राइंगल है। ओके तो उस पे से हमें फॉर्मूलाज आगे की डिराइव करनी है, कैसे करते हैं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर ट्राइंगल सी ओ बी डैश, सी ओ बी डैश दैट इज सी ओ बी डैश के लिए, ये ट्राइंगल के लिए वो मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया कि ओ सी बी डैश इज इक्वल टू 90 अल्फा बाई टू, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लेते हैं दैट इज पॉइंट ओ, दैट इज इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ, सी ए ए डैश देन बी बी डैश, तो आपको ये पता है दिस वन इज योर थीटा, 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए डैश सी फाइंड आउट करना हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेंथ का यूज हम क्या फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए डैश सी इज इक्वल टू दिस वन अनेसेसरी बाय कर्ण, दैट इज ए सी कॉस थीटा, और उसी तरह से बी डैश सी इज इक्वल टू बी डैश सी, तो यहाँ पे भी ये कर्ण है, दैट इज बी सी कॉस थीटा। अभी दोनों का एडिशन करेंगे तो ए डैश सी प्लस बी डैश सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा और बी सी बी सी कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं, ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी बी सी कितना होगा, दैट इज ए बी, ए बी दैट मीन्स स्टाफ इंटरसेप्ट एस। ओके जो हमने आगे फिगर में भी ड्रॉ किया था उसी तरह से ए डैश सी प्लस सी डैश बी और बी डैश सी, तो कितना आएगा ए डैश बी डैश। ओके इंक्लाइन डिस्टेंस ओ सी, हमें ये ओ सी फाइंड आउट करना है, तो ओ सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओ सी लेंथ ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने आगे जो डिराइव किया था फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इंक्लाइन डिस्टेंस है बट इंक्लाइन डिस्टेंस उसी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए डैश बी डैश इंटू एफ डिवाइड बाई आई प्लस एफ प्लस जी। अभी आपने ए डैश बी डैश का फॉर्मूला यूज किया, ओके तो ए डैश बी डैश का फॉर्मूला जो भी हमने डिराइव किया दैट इज एस कॉस थीटा, वो इसमें रखना है इंटू एफ डिवाइड बाई आई प्लस एफ प्लस जी, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ओके तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा आएगा एल कॉस थीटा, कैसे आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर जो भी है ना वो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस वन इज डी और वर्टिकल डिस्टेंस इज दिस वन, तो यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पे सिंपली जो भी कर्ण है दैट इज कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा वी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ओके तो एल कॉस थीटा,
तो पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन इन द अबव इक्वेशन, तो क्या आएगा एस कॉस थीटा एफ डिवाइड बाय आई प्लस एफ प्लस डी इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या मिलेगा डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय आई इंटू एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा। और उसी तरह से वी को एल साइन थीटा मैंने आगे आपको बताया, तो एल का सिंपली आपको वैल्यू रखना है एफ डिवाइड बाय आई इंटू एस कॉस थीटा प्लस एफ प्लस डी इंटू साइन थीटा, तो कितना आएगा एफ डिवाइड बाय आई इंटू एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू इन फर्स्ट फर्स्ट टर्म, जो भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू इन फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है टू से फर्स्ट टर्म जो भी है ये यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना है टू से डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला क्या भी बनेगी टू बाई टू इंटू एफ डिवाइड बाई आई इंटू एस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा, दैट इज एफ डिवाइड बाई आई इंटू साइन टू थीटा बाई टू इंटू एस प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा। देन द एलिवेशन ऑफ द स्टाफ स्टेशन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन में लेट एच इज इक्वल टू सेंट्रल हेयर रीडिंग, एच इज इक्वल टू सेंट्रल हेयर रीडिंग ऑन द स्टाफ जो फिगर में मैंने दिखाया है, ओके देन लेट एच इज इक्वल टू सेंट्रल हेयर रीडिंग, तो आप फिगर एक बार देख लो, इसमें ये जो सेंटर हेयर रीडिंग है दिस वन इज स्मॉल एच, यहाँ से सेंट्रल हेयर रीडिंग से जो भी लाइन ऑफ साइट है और आर एल ऑफ एच आई उसका डिस्टेंस कैपिटल वी है, और अगेन ये सेंट्रल हेयर रीडिंग से जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्यू रखा है दिस डिस्टेंस इज स्मॉल एच और दिस साइट इज स्मॉल एच, तो h इज इक्वल टू सेंट्रल हेयर रीडिंग ऑन द स्टाफ इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट वॉल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एंड द सेंट्रल हेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली आपको फाइंड आउट करना हो इसका लेवल Q का आर एल फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या आएगा आर एल ऑफ एच आई दैट मीन्स आर एल ऑफ एच आई प्लस ओवरऑल V कितना है दिस माइनस h करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट और आर एल ऑफ क्यू आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्यू आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो क्या आएगा आर एल ऑफ एच आई माइनस वी माइनस एच आएगा, ओके फॉर्मूला में ये डिफरेंस है, बाकी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो भी फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है d इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय i इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ प्लस डी कॉस थीटा एंड v इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय i साइन टू थीटा बाय टू प्लस एफ प्लस डी साइन थीटा, यही फॉर्मूला यूज करनी है। बट जब भी आप आर एल फाइंड आउट करो तभी आपको क्या करना है जो भी हमें हमने डिफरेंस कौन सा है तो आर एल ऑफ q इज इक्वल टू आर एल ऑफ एच आई प्लस और माइनस v माइनस एच, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो प्लस साइन यूज करो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो माइनस साइन यूज करो, ओके अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा आगे पढ़ेंगे, तब तक इतना ही, ओके थैंक यू।